हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कलरक भर्ती को लेकर बड़ी दुखद खबर आ रही है साथियों। हाई कोर्ट ने इस भर्ती की आगे की प्रक्रिया के ऊपर रोक लगा दी गई है। और क्यों रोक लगाई हाई कोर्ट के द्वारा, किस कैंडिडेट ने कोर्ट केस किया है, किस कारण से ये केस हुआ है, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जिसके ऊपर हरियाणा की सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाती हैं, इसलिए अगर आपको भी सही और सटीक अपडेट सबसे पहले चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए आप देखते हैं हाई कोर्ट ने इस भर्ती की वेटिंग लिस्ट की जो आगे की प्रक्रिया चल रही है उसके ऊपर क्यों रोक लगा दी है। यह आप देख सकते हैं साथियों, किसी कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में केस किया है और उसने बताया है कि जब मैंने रिटर्न एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरे 60 नंबर जुड़ रहे थे और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर बनते हैं तो टोटल मिलाकर मेरे 65 नंबर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी जो HSSC की वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी उसमें मेरा नंबर नहीं आया। और जो HSSC की EWS कैटेगरी की, यानी कि कैंडिडेट EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, EWS कैटेगरी की जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके 64 नंबर हैं, यानी कि 64 नंबर वाला कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहा है और मेरे 65 बन रहे हैं, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसी आधार पर कैंडिडेट ने कोर्ट केस किया है, यह आप देख सकते हैं। इसमें पुराने केसों का भी जिक्र किया गया है और इसके बाद कोर्ट ने HSSC को कहा है कि वाई द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर, यानी कि आप पारदर्शी तरीके से रिजल्ट क्यों डिक्लेयर नहीं करते हो, इसका भी कारण भी पूछा है और HSSC से जवाब भी मांगा है। क्योंकि जब कैंडिडेट के 65 नंबर बन रहे हैं तो 64 नंबर वाले का सिलेक्शन होने के बाद भी इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और इसी आधार पर वेटिंग लिस्ट वालों को बड़ा झटका भी लगा है क्योंकि वेटिंग क्लियर होने का काफ़ी साथी इंतज़ार कर रहे थे, अब उनकी वेटिंग क्लियर नहीं होगी क्योंकि लास्ट लाइन आपके लिए दी गई है, आप देख सकते हैं। टिल देन द वेटिंग लिस्ट नोटिफाइड एज पर द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल नॉट बी गिवन इफेक्ट टू एंड शैल बी पुट ऑन होल्ड, यानी कि जो HSSC के द्वारा वेटिंग लिस्ट जारी की गई है वो होल्ड कर दी गई है और वेटिंग क्लियर आगे नहीं की जाएगी जब तक इस केस की सुनवाई नहीं हो जाए, तब तक वेटिंग क्लियर होने पर रोक लगा दी गई है। तो साथियों, ये होना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर कैंडिडेट के 65 नंबर बन रहे हैं और इसका सिलेक्शन नहीं किया गया है तो ये जवाब HSSC से ज़रूर मांगा जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस कैंडिडेट का सिलेक्शन क्यों नहीं किया गया, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।